हेलो डियर गार्डनर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ कि हिबिस्कस सफदरफा या फिर क्रैनबेरी हिबिस्कस हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी पेन। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने दिखाया है छोटे छोटे स्पाइक ही है, वो रोम जैसा है। जब इसको हम हार्वेस्ट करने जाते हैं तो यस, मेरा तो हाथ में बहुत सारा चुपता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास ऐसा एक फोम था तो वो ले लिया, और आप भी ऐसा अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो कॉटन के क्लोथ ले लीजिए, उसे 2-3 टाइम आप फोल्ड कर लीजिए, नहीं तो अगर पतला होगा तो आपका हाथ में फिर से चुप जाएगा। ये देखिए, इसमें छोटा छोटा वाइट आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी जूम करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये जो रोम है ना, ये ही बहुत चुभती है हाथ में, तो इसके लिए मैंने ये फोम वाला जो भी है रैप या फिर पेपर, ये मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा क्रश करूंगी, तो क्रश करने के बाद इसे सीड्स निकल आएगी इजीली। और सीड्स जब निकल आएगी, एक सीड से मिनिमम 10-14 सीड्स निकलती है एक सीड पॉट से। और ये आप हार्वेस्ट करके एक एयर टाइट जार में रख दीजिए। हाँ, ज़रूर इसे सनलाइट में दीजिए एक दिन के लिए, फिर आप इसे हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये सीड्स हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आएगा फ्रेंड्स, मैं इसके केयर के बारे में एक वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़